हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कबड्डी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। जैसा कि दोस्तों एमपी टेट का रिजल्ट आ गया है, आपने सभी अपना अपना स्कोर देख लिया है, ये पास है या फेल। यदि पास है तो अगले एग्जाम मेन एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं पास है तो भी और जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी यूपीएलटी गेट अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी इस सभी एग्जाम्स को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी आपका कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा। कोई भी फॉर्म आएगा, आप अप्लाई करेंगे, आपका क्वालिफाई होगा। जैसे और सभी काम आप कर रहे हैं उसमें से कुछ समय आप पढ़ने के लिए भी निकालिए। तो दोस्तों, डेली बेसिस पे एमपी टेट मेन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अभ्यर्थी हैं, डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस कराना आज से स्टार्ट कर दूंगी। तो आप सभी रेडी हो जाइए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, कबड्डी खेल को चौब नाम से किस देश में जाना जाता है? तो दोस्तों, कबड्डी खेल को चौब नाम से इंडोनेशिया में जाना जाता है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जैसे कि दोस्तों कबड्डी को हर एक जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि बांग्लादेश में हु डू डू, श्रीलंका में गुडू, इंडोनेशिया में चब, नेपाल में डोडो एंड पाकिस्तान में कबड्डी एंड मालदीव में भावती। एंड दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में इसको तो विशेषकर कबड्डी के नाम से ही जाना जाता है, बट भारत के अन्य प्रदेशों अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में हू तू तू के नाम से जाना जाता है एंड तमिलनाडु और मैसूर में चुडू गुड्डू के नाम से जाना जाता है एंड केरल में वान चक्का, बांग्लादेश में हे डूडू एंड उत्तर भारत में इसे कबड्डी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों कबड्डी जो है इसका जन्मदाता भारत ही है एंड इसका नियम कानून बना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन जिमखाना द्वारा। इसके नियमों को विशेष रूप से छपवाया गया 1923 में हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा के द्वारा। इसके तीन मुख्य शैलियां होती हैं, संजीवनी, गामिनी, अमर। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता 1918 में आयोजित किया गया सतारा महाराष्ट्र में। कबड्डी में भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित किया गया? तो 1918 सतारा महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों तो कहाँ किया गया? सतारा महाराष्ट्र में 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित किया गया? तो वहां पे भारत में कहेगा तो 1918 सतारा महाराष्ट्र में। अगर विश्व में कहेगा तो विश्व में कब हुआ? तो विश्व में 1987 कलकत्ता में। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। जैसा कि आप एमपीटेट एग्जाम दिए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था कि जो आपके पढ़ाया हुआ नहीं था या मैंने नहीं बताया था। नेक्स्ट है, भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे एच के गौड़ वाले। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना 1950 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष एच के गौड़ वाले, वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र पहल एंड हेड क्वार्टर यानी कि कोलकाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1990 बीजिंग चीन में इसको शामिल किया गया एशियाई खेलों में। ओलंपिक में यह शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ओलंपिक में यह शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रदर्शन जो है 1936 बर्लिन ओलंपिक में
और इसके उपरांत 1938 के भारतीय ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया एंड 1982 नई दिल्ली एशियाई खेलों में इसका प्रदर्शन के रूप में खेला गया, बट इसको शामिल नहीं किया गया ओलंपिक में। लेकिन एशियाई खेलों में 1990 बीजिंग चीन में केवल पुरुष कबड्डी को शामिल किया गया और महिला कबड्डी को एशियाई खेलों में 2010 ग्वांगझोउ चीन में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कबड्डी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? तो दोस्तों कबड्डी में पहली बार अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो 1972 में सदानंद सेट्ठी को दिया गया, 1972 में सदानंद सेट्ठी को दिया गया। नेक्स्ट है कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो सदानंद सेट्ठी को 1972 में। नेक्स्ट है कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया? तो कबड्डी में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 2002 में ईश्वर प्रसाद राव को। किसको दिया गया? ईश्वर प्रसाद राव को दिया गया। तो आपको याद रखना है कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार 1972 में सदानंद सेट्ठी को एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार ईश्वर प्रसाद राव 2002 को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में एंड द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी 1952 में। कब? 1952 में। नेक्स्ट है कबड्डी में लड़कों के लिए स्कूल नेशनल प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो कबड्डी में लड़कों के लिए नेशनल प्रतियोगिता जो है 1962 से आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों कबड्डी में मध्य लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है, यानी सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी कितनी होती है कबड्डी में? तो 3.75 होती है, यानी कि 3.75। सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी 3.75 मीटर एंड बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी 1 मीटर होता है, ठीक। एंड बोनस लाइन से एंड लाइन की दूरी कितना होता है? 1.75 मीटर। जैसा कि कबड्डी में पुरुषों के लिए 13x10 एंड महिलाओं के लिए 12x8 मीटर का मैदान होता है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में सीटिंग ब्लॉक की चौड़ाई जो होती है वह 1 मीटर होती है एंड लंबाई कितनी होती है? 8 मीटर। जैसे कि दोस्तों सीटिंग ब्लॉक जो होता है पुरुषों के लिए 8x1 मीटर का होता है एंड महिलाओं के लिए 6x1 मीटर का। सीटिंग ब्लॉक जो है वह 2 मीटर इंड लाइन से दूरी पर बनाया जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में सीटिंग ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है? तो 8 मीटर होती है लंबाई, तो 8x1 मीटर पुरुषों के लिए पूछेगा अलग अलग, तो 8x1 मीटर पुरुषों के लिए और 6x1 मीटर महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया जाने लगा है? तो दोस्तों कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन 2004 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है विश्व कप का आयोजन? 2004 से। इसका आयोजन 2004 से कहां से खेला जा रहा है? मुंबई। सबसे पहले कबड्डी विश्व कप की शुरुआत 2004 मुंबई में हुआ था, जिसमें भारत ईरान को हराकर प्रथम बार वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है AKFI संस्था कब बनी? AKFI संस्था कब बनी? AKFI संस्था बनी 1973 में। AKFI संस्था कब बनी? 1973 में। AKFI यानी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो 1973 में ये बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कबड्डी सीनियर पुरुष वर्ग में कितने भार से अधिक होने पर खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता? तो 85 किलोग्राम से अधिक वजन का खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता सीनियर पुरुष वर्ग में। नेक्स्ट है, किसी भी टीम के रेडर द्वारा अर्जित किया गया बोनस पॉइंट को हम स्कोर शीट में किस संकेतक से प्रदर्शित करते हैं? तो जो भी बोनस पॉइंट रेडर प्राप्त किया है उसको स्कोर शीट में किस संकेतक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे? तो ट्रायंगल के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रायंगल से, त्रिकोणात्मक रूप से उसको हम प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट, कबड्डी में किसी भी टीम द्वारा अर्जित किए गए लीडिंग पॉइंट को हम स्कोर शीट में किस संकेतक से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे हम करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है कि 1.2 पॉइंट। यहाँ न ट्रायंगल से होगा, न स्क्वायर से, न टी से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, जबकि बोनस पॉइंट को ट्रायंगल से हम इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, यदि टूर्नामेंट नॉकआउट पद्धति के आधार पर खेला जा रहा हो और मैच टाई हो जाए तो कौन सा नियम लागू होगा? तो दोस्तों यहाँ पे नियम लागू होगा कि दोनों टीमों के 5-5 खिलाड़ियों को चिन्हित करके उन खिलाड़ियों को बारी बारी से वैकल्पिक रेड डालने का नियम लागू किया जाएगा, एंड ख है आपका बक लाइन ही बोनस लाइन में बदल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा, क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी मैच में जब किसी टीम को लोना लग जाता है तो उसे हम किस संकेतक से स्कोर शीट पर प्रदर्शित करते हैं? तो जब लोना को हम स्कोर शीट पर किससे प्रदर्शित करते हैं? हॉरिजॉन्टल से। किससे? हॉरिजॉन्टल से। एंड बोनस पॉइंट को ट्रायंगल से और लोना को हॉरिजॉन्टल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कबड्डी मैच के दौरान किसी विपक्षी खिलाड़ी द्वारा रेडर की किट या सिर के बाल पकड़े जाते हैं और बिना संघर्ष के रेडर पकड़ा जाता है तो निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों इसमें रेडर जो है, रेडर को नॉकआउट माना जाएगा और पकड़ने वाली नॉट आउट माना जाएगा। क्या? रेडर को नॉट आउट माना जाएगा और पकड़ने वाली टीम के विरुद्ध एक टेक्निकल पॉइंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी टीम को लोना लगने के बाद यदि वह टीम 1 मिनट के अंदर कोर्ट में प्रवेश नहीं करती तो इनमें से क्या होगा? एंटी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यदि टीम को लोना लगने के बाद यदि वह टीम जिसपे लोना मिला है 1 मिनट के अंदर नहीं प्रवेश करता है कोर्ट में तो अगले वाले यानी कि उसके एंटी टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लोना क्या होता है? एक तरफ के सभी खिलाड़ी जो है आउट कर दिए जाते हैं तो दूसरे अपोजिट टीम को लोना दिया जाता है, 2 अंक का लोना दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगर किसी टीम के 2 रेडर विरोधी, ठीक है, अगर किसी टीम के 2 रेडर विरोधी टीम के कोर्ट में एक साथ रेड डालने चले जाएं तो अंपायर का क्या निर्णय होगा? तो किसी टीम के 2 रेडर जो है विरोधी टीम के कोर्ट में एक साथ दोनों जा रहे हैं रेड डालने तो उस समय अंपायर का निर्णय क्या होगा? तो उस समय अंपायर का निर्णय होगा कि विरोधी टीम को रेड डालने का मौका दिया जाएगा तथा एक टेक्निकल पॉइंट भी दिया जाएगा।
नेशनल कबड्डी कोर्ट के बाहर की सीमा रेखा के चारों तरफ कितना खाली जगह होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कबड्डी का कोर्ट बना हुआ है, फील्ड बना हुआ है, उस सीमा रेखा जो है इन लाइन चारों तरफ की जो सीमा रेखा है उसके चारों तरफ कितना खाली जगह होना चाहिए, तो 4 मीटर होना चाहिए। कितना? 4 मीटर। नेक्स्ट है, मैच के दौरान हम खिलाड़ियों का स्थानापन यानी सब्स्टिट्यूशन कब कब कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट है, टाइम आउट व मध्यांतर के दौरान खिलाड़ियों का स्थानापन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैच समाप्त होने के कितनी समय अवधि पहले प्रत्येक टीम के स्कोर को रेफरी को बताना अनिवार्य होता है? तो 5 मिनट पहले। कितने समय पहले? 5 मिनट पहले। मैच समाप्त होने के 5 मिनट के पहले प्रत्येक टीम के स्कोर को रेफरी को बताना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है, कबड्डी मैच में कितने मैच अधिकारी होने अनिवार्य होते हैं? तो कबड्डी मैच में 6 मैच अधिकारी होते हैं। कितने? 6 मैच अधिकारी होते हैं। इसमें होते हैं 1 रेफरी, 2 अंपायर, 1 स्कोरर, 2 लाइनमैन, 1 टाइमकीपर। नेक्स्ट है, अगर खिलाड़ी टाइम आउट के दौरान अपने कोर्ट को छोड़कर सीमा रेखा से बाहर आ जाता है तो अंपायर का निर्णय क्या होगा? तो यहां पे आपको अंपायर का निर्णय हो जाएगा कि एंटी टीम को 1 टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर स्थानापन यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को हम रिसब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? अगर स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को हम रिसब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, रिसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैच के दौरान किसी खिलाड़ी का टेम्परेरी सस्पेंशन हो जाता है और वह बिना रेफरी की आज्ञा के कोर्ट छोड़कर चला जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, विरोधी टीम को 1 टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। विरोधी टीम को 1 टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर कोई रेडर रेड के दौरान एनटी और एनटीएस को छू लेता है और बक लाइन को क्रॉस नहीं करता और अपने कोर्ट में वापस आ जाता है तो निर्णय क्या होगा? तो इस कंडीशन में निर्णय होगा कि जितने एंटी छुए जाएंगे उतने अंक रेडर को दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई रेडर रेड दौड़ने के लिए विपक्षी कोर्ट में 5 सेकेंड से अधिक समय लेता है तो निर्णय क्या होगा? तो दोस्तों, निर्णय होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, यानी क और ख दोनों, रेड कैंसिल कर दी जाएगी और विपक्षी टीम को 1 टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, आज की वीडियो में 33 MCQ questions कबड्डी से रिलेटेड था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए। जल्द से जल्द आपका एग्जाम होगा, लास्ट अगस्त सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको हर वक्त नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।